हाँ देखा तुम्हारा कमाल, बोल रहे ये देखा मेरा कमाल, ये कौन सा कमाल हुआ? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है। तो मैं हूँ, आप लोगों को पता ही है, बुढ़े की रखैल गीली चड्डी, हैशटैग गीली चड्डी सायरा अठन्नी। तो आज जो है मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने आई हूँ, चूना कैसे लगाया जाए, चूना लगावें टिप्स मैं देने आई हूँ आप लोगों के साथ। मैं अपने ज़िंदगी के जो मेरे ऊपर जो बीता है उसकी जो है कुछ झलकियाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और मेरी ज़िंदगी के जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं नाखून बार बार इसलिए अपने व्लॉग में दिखाती हूँ क्योंकि मैंने कल ही एक्सटेंशन करवा के आई हूँ मैं, जैसे कि आप देख सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं दिखूंगी तभी मैं बिकूंगी। सो मैं दिखने के लिए ये सब करवाती रहती हूँ। ओप्स, देखिए हक हलाल की कमाई मैं आपको बता रही थी, ऐसे ही होती है कि जब आपका जो है ना पैसा जो है मेहनत का हो तो वो कहीं नहीं जाता, आपके पास घूम के आता ही आता है। जैसे कि ये गिरा तो अभी यहाँ पर गिरा, ये कल भी गिरा था, ये आज भी गिरा है। तो जो है मैंने अपनी नाक वापस से लगा लिया है। तो चूना देने का जो है कुछ, चूना लगाने का कुछ टिप्स कैसे, क्योंकि मैं जो है ये चीज़ आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने अपने ज़िंदगी में जो है इस्तेमाल किया है, और इससे आप लोग जैसे कि देख ही सकते हो काफ़ी फ़ायदा मुझे हुआ है। झोपड़पट्टी से लेके मैं फ्लैट में आ गई हूँ, तो आप सोच सकते हो कि ये कितना फ़ायदेमंद है और कैसे लोगों को चूना लगाया जाता है। इसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज़्यादा है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैं जो है आज के जनरेशन को या फिर मेरे हम उम्र औरतें जो होती है उनको जो है एक सही रास्ता दिखा रही हूँ। ना उदास ना हो ज़िंदगी में, ऐसे बहुत सारे रास्ते जो बिना काम करे भी आप जो है पैसे कमा सकते हो, वो भी कैसे चूना लगा के। तो आज मेरा नो मेकअप मेकअप लुक है, मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, जो भी है सब मेरा नेचुरल है। कल मैं बस जो है नेल्स करवाने गई थी, एक्सटेंशन करवाने पार्लर गई थी, वहाँ से जो है मैं नेल्स करवा के आई हूँ। कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट के ज़रिए बताना। और मैं बस आयुब को बोल ही रही थी कि मुझे नेल्स करवाने हैं, तो आयुब ने मुझे बोला गोरी जा, कितना पैसा चाहिए होगा मैं दूंगा तुझे। सो मैं चली गई, और वहाँ का बिल भी आयुब ने ही जीपे से पे किया है, और ये मैं आप लोगों के सामने करके आई। मुझे ऐसे रहना बहुत पसंद है और मैं शुरू से ऐसे ही रहता हूँ। मैं इमरा करने के टाइम पे जब बूढ़ा मेरे साथ नहीं था तब थोड़े दिन के लिए मैंने जो दुपट्टा वगैरह ओढ़ा था और बहुत रोना धाना किया था क्योंकि मुझे पब्लिक सिंपैथी चाहिए था। अब जैसे कि मेरा बूढ़ा वापस आ गया है, उमरा भी मेरा हो गया, सिंपैथी भी मैंने ले लिया है, और उस टाइम पर व्यूज भी मैंने कमा लिया था, तो वापस मैं अपने नॉर्मल लाइफ में आ गई हूँ। तो जैसे कि चूना लगाने का पहला रास्ता देखो, आप ऐसे चूज़ कर सकते हो कि आप बार, डिस्को, ऐसे जगहों पे जो है नाच सकते हो, और वहाँ पे कोई पैसे वाला मुर्गा देखे तो उसको फंसा सकते हो। फंसाने के बाद उसके साथ कुछ दिन जो है आप गुलगुलु करोगे, गुलगुलु इन द सेंस होटल्स के रूम पे, या फिर जो है आपकी कोई अगर दोस्त रहे मुमताज़ बंगालन तो वहाँ पे जाके 500-500 रुपए में आप दारू वगैरह पी के वहाँ पे मस्ती कर सकते हो, और बच्चा ठहर जाए तो बिल्कुल नहीं गिराना, ट्रस्ट मी। ये मैंने अपने ज़िंदगी में ये चीज़ मैंने अप्लाई किया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बच्चा ठहर जाए पहले तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको बच्चा ठहराना है। बच्चा आपको किसी भी हाल में उस आदमी से जो है लेना है, बच्चा आएगा तो ही प्रॉपर्टी और पैसा आएगा, ठीक है? तो किसी भी हाल और सूरत में अगर मान लो कि वो छतरी इस्तेमाल करना है तो वो छतरी के बीच में आपको छेदा कर देना है ताकि छतरी के बाहर बारिश हो और बच्चा ठहर जाए। बच्चा ठहर गया तो वो बच्चे को आपको अबॉर्ट नहीं करना, क्या करना है उसको धमकी देना है कि मैं पुलिस में चली जाऊँगी, मैं तेरी फैमिली में बता दूंगी, मैं तुझे जो है ना सोसाइटी में जो मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। वो बच्चा आपका ऊपर चढ़ने का सिरे बन सकता है, लेकिन मुर्गा आपको पैसे वाला ढूंढना है। ये एक रास्ता मैं आपको बता दूँ, इसका अचूक बाण है जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में मैंने अप्लाई किया है। और आज लोग आप देख सकते हो मैं गोल्ड इतना पहनती हूँ, मैं गाड़ी खरीदती हूँ, मैं इतना जो है लग्जरियस लाइफ में जी रही हूँ, इसीलिए जी रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसा किया है अपने ज़िंदगी में
ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को जैसे भी हो बच्चे ठहराना है, बच्चा रुक गया तो उसको जो है बहुत धमकी देना है, बहुत ज़्यादा धमकी देना है, इतना धमकी देना है कि वो डर जाए। उसकी इज्जत पे बात आनी चाहिए। वो बच्चा आपके ऊपर का सीढ़ी है, उसको आपको किसी भी हाल में जो है गिराना नहीं है। उसको फिर धमकी देके आटे में लेके लपेटे में लेके उससे घर लेना है, बिजनेस लेना है, पैसे लेने हैं, गाड़ी लेने हैं, सब लेना है, जो जो उसके पास है सब लेना है, यहाँ तक कि उसके पहने हुए चड्डी भी, उसका कपड़े भी लेने हैं, उसका पहने हुए चड्डी भी लेने हैं, उसको पूरा का पूरा नंगा कर देना है, उसको पूरा का पूरा चूस लेना है जितना आप चूस सकते हो, ठीक है, उतना चूस लेना है। अब चूना नंबर टू आपको ये करना है, किसी को भी पैसे वाली अकेली औरत आपको दिखी, ठीक है, किसी ग्रुप में आपको घुसना है, पैसे वाले के ग्रुप में घुसना है, आपको पैसे वाला दिखने के लिए कुछ नहीं करना है, 1 ग्राम गोल्ड पहनना है। 1 ग्राम गोल्ड पहन के आपको किसी भी पैसे वाला जो ग्रुप है उस ग्रुप में घुस जाना है। घुसने के बाद वहाँ पे यारी दोस्ती बनानी है, थोड़ा छोटा मोटा अगर गिफ्ट देने लगे तो वो भी आप दे दो, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट में ही आगे जाके आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे कि मैंने रिहाना को, मैंने सेम एक नाक का जो ये मेरे पास दो और तीसरा था, रिहाना को बहुत पसंद था, मैंने दे दिया उसको गिफ्ट। किस लिए दिया? क्योंकि उसको बहन बनाना था, दोस्त बनाना था। तो छोटा मोटा गिफ्ट आप एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप दोगे, देने के बाद उसको बहन बहन बोल के बहुत आटे मिलोगे, लपेटो मिलोगे, अपने घर पे बुलाओगे, खाना वाना खिलाओगे, अपने शौहर से मिलवाओगे, ठीक है। शौहर से मिलवाने के बाद तुम्हारे शौहर के साथ तुम बैठ के जो प्लानिंग करोगे कैसे उसको चूना लगाया जाए, ठीक है, फिर तुम्हारे शौहर को उसके पास भेजोगे तुम्हारी मतलब कि अपनी बुराई करने के लिए, उस नाखून में टूट गए, फिर उसको लपेटे में लेके बिजनेस का झांसा देके उससे पैसा लेना है। पैसा भी इसके घर में नहीं लेना है, ऐसी किसी जगह पे लेना है जहाँ पे कोई जो है ना देख रहा हो, ना कोई वीडियो शूटर हो, कोई सबूत नहीं छोड़ना है आप लोगों को। बारीकी से पैसा लेना है। पैसा लेने के बाद क्या करना है? पैसा लेने के बाद सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, बस आपके पति के साथ उस जो औरत है, जो औरत से आपने पैसे लिए उसको जोड़ देना है। ये सिंपल आसान तरीका है पैसे कमाने का। दूसरा आसान तरीका है कैसे लोगों को मतलब पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है कैसे लोगों को चूना लगाया जाए। चूना लगाने का भी बहुत सारे प्रोसीजर मैं आपको बताऊँ। ये है दो नंबर आइडिया। आइडिया नंबर टू के उसको अपने पति के साथ जोड़ देना है। ऐसे जोड़ देना है कि वो बेचारी जलील हो जाए। और इज्जत आपके पास सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हथियार होगा। आपको लोगों के लिए इज्जत ही इस्तेमाल करना है, ठीक है, आपको बस इज्जत ही इस्तेमाल करना है। कैसे इंसान को जो नंगा किया जाए उसका डर दिखा के पैसे कमाने हैं, तो उस औरत को जो है ना बेइज्जत जलील करने के लिए आपको अपने पति के साथ उसका टाका भिरा देना है। और सोसाइटी में, सोशल मीडिया में जहाँ देखो वही बात फैला देना है कि ये मेरे पति को चाहती थी। आपका पति आरआर लेला टुंडा ले ढूंढा जैसा भी हो, आरआर क्या बोलते हैं उसको, आरआर टेरा भेंगा जैसा भी हो, दिखने में जितना भी गंदा हो, चाहे इधर से बीएमसी का नाला बहे या नीचे से बीएमसी का नाला बहे, डजेंट मैटर, मर्द है आपके पास भाड़े का, ठीक है, उसके साथ उसका जो रिश्ता है वो आपको जोड़ देना है। फिर जो उससे पैसा लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुरान उठाना है, कसम खाना है कि मैंने नहीं लिया, मैटर वहीं पे दब जाएगा। पहले दोस्त बनाना, फिर बहन बनाना, फिर उसके घर में घुसना है, फिर सिंपैथी लेना है, भरोसा जीतना है, फिर उससे पैसे भी लौटने। साथ ही साथ अगर उसका घर ही हो, कपड़े हो, नाक का हो, कान का, जो भी मिले बहन का वास्ता थे कि वो भी लूट लेना है। बर्तन, चम्मच, चांदी का चम्मच हो, सोने का चम्मच हो या फिर स्टील का चम्मच हो, कुछ भी नहीं छोड़ना है उसका घर का, जो हाथ में मिले बस ले लो, हथिया लो। तीसरा उपाय, ये ऐसे करके आपकी ज़िंदगी चली जाएगी। ऐसे लोगों को जो है धमका के जितने भी पैसे आपको मिलेंगे उससे आपकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट कुछ साल तक कट जाएंगी। साथ में आप जो है आपका पुराना धंधा क्या है आपको बहुत अच्छे से मालूम है, गुल्लू गुल्लू का धंधा आपका है, वो भी साइड बिजनेस के तौर पर रखने का। एक आधा अगर किसी का फ्लैट लेके उसमें लड़कियाँ रखने का और लड़कियों को भी भाड़े पर देने का, ठीक है, वो भी चलता रहेगा। आपके बहुत सारे पैसे जो है साइड बिजनेस से भी कमाई हो जाएगी। फिर आपके बच्चे बड़े हुए, आपके पास बेटा है, वो आपका सबसे बड़ा हथियार है, जिसको आपने हराम काम करके जना है उसको ही आपको हराम कामों पे लगाना है। कोई अच्छी लड़की दिखी, टैलेंटेड लड़की दिखी, सक्सेसफुल लड़की दिखी, जिसका जो है कनेक्शन अच्छे है, कॉन्ट्रैक्ट अच्छे है, उसको माँ बनने का, उसका जो है सिंपैथी जीतने का, भरोसा जीतने का, उसको सिंपैथी देने का,
अपने बेटे को बोलने का कि बेटा उसके ऊपर कुछ दिन पैसा उड़ा, क्योंकि ये आपका इन्वेस्टमेंट है। फिर लड़की को घर में बुलाने का, बुला के क्या होता है आप लोगों को पता ही है क्या होता है एक लड़का और लड़की के बीच में। आपको उसको अपने घर में सुलाना है, रिजॉर्ट में सुलाना है, जिधर आप जा रहे हो उधर आपको उन दोनों को सुलाना है। बस सुलाने से मतलब जैसे आप सोओगे वैसे अपने बेटों को भी सुलाना है। लड़की हो तो उसको भी किसी मर्द के साथ सुलाना है, और जैसे आपने किसी मर्द से पैसे लूटे हैं अपने लड़की को भी ऐसी ट्रेनिंग देना है। लड़का हो तो उसको भी सुलाना है। बस ये फ़र्क है कि आपने मेल को चूज़ किया, उसको फीमेल को चूज़ करना होगा। सुलाना है, आपके घर में जो CCTV है वो रिकॉर्ड कर ले, कैमरा ऑफ नहीं करना है। फिर वही रिकॉर्डिंग्स के ज़रिए आपको जो है उस लड़की को जो है वही इज्जत का जो है धमकी देना है, इज्जत की धमकी वगैरह दे के उसको उससे पैसे भी लेने हैं। अगर आप बिग बॉस में जाना चाहो तो उसका भी रास्ता बनाना है, और थोड़ा सा बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना पैर जमाने के लिए उस लड़की को जो है आपको इस्तेमाल करना हो गया। ये तीन रास्ते आप लोगों को मैंने बता दिया, अचूक उपाय, टेंशन नहीं लेने का। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में जो अप्लाई किया है और मैंने बहुत सारे अचूक पैसे कमाए हैं, तो ये काम करेगा। ये मेरा सारा सप्तानी का पर्सनल एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ और एक लास्ट दाव आप खेल सकते हो, जो कि आपका भाई का पति है, जिसके साथ मिलकर आप दूसरों से पैसे लूटोगे, ठीक है। उसको जो आप सप्लाई का काम करते हो उस पर आपको डाल देना है, वो सप्लाई करेगा, ठीक है। उसको आपके जो भी जो कचरा पट्टी का काम है वो आप दे देना, वो संभालेगा, और उसके घर पे भी जाके बैठ जाना है। और साथ ही साथ सोशल मीडिया में ये दिखाना है कि हम साथ साथ आठ है, ठीक है, उससे भी व्यूज़ आएंगे। उसके घर में जाके उसकी पहली बीवी के छाती में भी बैठ जाना है, उसके साथ जो है रोमांटिक रील्स बनाना है। रोमांटिक रील्स किसको पसंद नहीं आते, आजकल बॉडी शो हुआ नहीं कि व्यूज़ बढ़ गए। एक अचूक उपाय सोशल मीडिया में रहने का, साथ ही साथ मैं ये भी बता दूँ, सोशल मीडिया में रहना है तो नंगा होना पड़ेगा। नंगा बंदी करोगे तो ही व्यूज़ आएंगे, ढक के रहोगे तो व्यूज़ नहीं आएंगे, ठीक है। कपड़े यहाँ तक सरक आया तो 1000 व्यूज़, और नीचे तक सरक आया 10000 व्यूज़, नीचे से थोड़ा और ऊपर उठाया 1,00,000 व्यूज़। ऐसे सोशल मीडिया में रहना है तो शरीर आपको दिखाना पड़ेगा। सोशल मीडिया से कैसे कमाना है लास्ट उपाय मैं आपको बता दूँ। अपना जो वो जो बुड्ढा है भाड़े का, उसको जो रखा है आपने, उसके साथ जो है आपको रोमांटिक रील्स बनाने हैं। अब आप ये सोच रहोगे कि हम दोनों तो रील्स के आगे नाचेंगे, कैमरा के पीछे कौन रहेगा। आप लोग के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, तो कैमरा के पीछे कौन रहेगा? वो जो हराम काम करके जिसको आपने सीढ़ी बनाया है, जो हराम का बच्चा है, वही कैमरा के पीछे रहेगा, वही शूट करेगा, वही अपलोड करेगा, और वही जो है आपका सोशल मीडिया हैंडल करेगा। वो आपका मैनेजर भी रहेगा, वो आपका वीडियोग्राफर भी रहेगा, वो आपका सब कुछ रहेगा, लेकिन उसको तरबियत वैसी ही देनी है, सबसे गंदी वाली तरबियत उसको देनी है, और उसको निकम्मा बनाना है। निकम्मा उसको बनाओगे तो वो आपकी मुट्ठी में रहेगा, मुट्ठी में रहेगा, उससे आप सब काम कर पाओगे, ठीक है। तो कैमरे के पीछे कौन रहेगा ये भी मैंने आपको बता दिया। तो सोशल मीडिया से भी कमाई होती है। इसके लिए सोशल मीडिया में कमाई करने के लिए आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। लोग कितना भी गाली दें आपको, वो गाली को नज़रअंदाज करना है, वो गाली को क्या करना है, नज़रअंदाज करना है। लोग आपको भर भर के गालियाँ देंगे जो आप करें उसके लिए, लेकिन उसको भी पॉजिटिविटी में लेना है। आपको ये सोचना होगा कि ये गाली नहीं दे रहे, ये हमारी तारीफ कर रहे हैं। ये आप दिमाग में रखोगे तब जाके आप सक्सेसफुल हो पाओगे, तब जाके आप सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ कमा पाओगे। और अगर व्यूज़ कभी खुदा ना खास्ता ऊपर नीचे हो गया तो क्या करना है, जो आपका भाई का पति है उसको 15 से 16 चमार देना है, 2-3 चाकू मारने हैं। आपके जो हराम के जने बच्चे हैं उनको बोलना है कि इसको धो, धोने के बाद सोशल मीडिया में तमाशा करना है। कॉन्ट्रोवर्सी करोगे, तमाशा करोगे, तभी सोशल मीडिया में व्यूज़ बढ़ेंगे, उससे भी आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। तो ये आजकल के जनरेशन वालों को और जो मेरे साथ के उनको मैंने ये टिप्स दे दिया है कि आपको पैसे वाला कैसे बन सकते हो बिना किसी मेहनत करे शॉर्ट पीरियड में। तो आई होप कि आप सब लोगों को मेरी जो ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कौन सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और कौन सा आइडिया अप्लाई करके आप जो है रिच बने हो, झोपड़पट्टी से फ्लैट में गए हो। कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो मैं एक सिंगल मदर हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता ही है।
सिंगल मदर के साथ फादर उस बच्चों के कितने, वो मुझे भी नहीं पता। हर रात मेरे लिए रंगीन होती है, हर रात मेरे लिए सुहाग रात होती है। मैं पिछले 30-35 साल से यही करती आ रही हूँ। सो एक मैं सिंगल मदर हूँ, मुझे आगे बढ़ाइए दोस्तों, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मुझे आप सपोर्ट करेंगे तभी जाके मैं आप लोगों को रोमांटिक रील्स दिखा पाऊँगी, कॉन्ट्रोवर्सी कैसे करते वो मैं आप लोगों को सिखा पाऊँगी, और कम वक्त में आपको पैसे वाले कैसे बनना है उसके भी मैं टिप्स आगे जाके मैं और भी आपको दूंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब वाला एक बॉक्स आएगा, उसको आप सब्सक्राइब वाला एक बटन आएगा उसको दबाना है, घंटी वाला बेल आइकन का बटन आएगा उसको भी दबाना है, और साथ ही साथ मेरे जितने भी वीडियो आएंगे उनको लाइक करना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं जल्दी वापस, ठीक है।